पूरे उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था, आज उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और हमें उम्मीद है कि ये जो प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम नए नए स्टेप्स, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, बायोमास बर्निंग को कंट्रोल करना हो, उसके लिए ले रही है। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर बैठक बुलाई थी सचिवालय में, जिसमें सरकारी विभाग के साथ साथ जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनके भी प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था, जिससे सरकारी विभाग के साथ साथ प्राइवेट दफ्तरों में भी, इंडस्ट्रीज में भी वर्क फ्रॉम होम को 50% लागू किया जा सके। आज जो बैठक हुई उसमें जीएडी के अधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ साथ सीआईआई, एसओचेम और फिक्की के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। काफी डिटेल डिस्कशन के बाद हम लोग दो तीन महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे हैं। पहला कि दिल्ली सरकार के अंदर जितने दफ्तर हैं उसमें एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ करके बाकी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें मेडिकल सर्विसेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक क्लीनिंग और सैनिटेशन, कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स, फायर सर्विसेज, पावर, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, कंट्रोल रूम, फंक्शन टुवर्ड एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल ऑर्डर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर स्मूथ डे टू डे लाइफ सिटीजन्स, वेटरनिटी सर्विसेज, नाइट सेंटर, फूड एंड सप्लाईज, इन्फोर्समेंट एंड एंटी होल्डिंग, लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल मेंटेनेंस और सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स। ये 18 सर्विसेज ऐसी हैं जो एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज में नोटिफाइड हैं। इनके जो वर्क हैं ये फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो किसी तरह की। उसके अलावा जितने भी भाग हैं उनमें 50% पर जो है वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट 1% वर्क फ्रॉम होम को जो है वो इंश्योर करें, साथ ही साथ जो ये तीनों एसोसिएशंस इंडस्ट्रीज के आए थे, सीआईआई, एसोचेम और फिक्की, उनके साथ डिस्कशन के बाद दो एडवाइजरी उनको जारी किया जा रहा है। एक कि वो अपने यहाँ, जैसे दिल्ली सरकार में हमने टाइम स्टेगर किया है, टाइम में परिवर्तन किया है, जैसे 8:30 से 5 MCD का जो दफ्तर हुआ है, 9 बजे से सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर शुरू होता है, 10 बजे से जो है वो दिल्ली सरकार का दफ्तर जो है हमने शुरू करने का निर्णय लिया है। उनको हमने एक सुझाव दिया है कि वो आपस में एसोसिएशंस की मीटिंग करके जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो 10:30 या 11 बजे से उसको शिफ्ट कर लें, जिससे कि सड़क पे जो गाड़ियों का प्रेशर है उसको कम किया जा सके। और साथ ही साथ उनको ये सुझाव दिया गया है कि जैसे दिल्ली सरकार के अंदर हमने शटल बस सर्विस शुरू किया है ऑफिसेज के लिए, तो जहां पर ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और अगर उनके रहने की लोकेशन है तो वहां पर अगर प्राइवेट गाड़ियों की जगह शटल बस सर्विस इस तरह का अगर उपयोग करें
तो उससे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका भी जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने का अभियान चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सेदारी हो सकती है। तो आज की बैठक में ये महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम लगातार वर्क कर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ पूरा उत्तर भारत जिस तरह से प्रदूषण से प्रभावित है, वहां 5 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, सरकारों से और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जो पूरे उत्तर भारत में आज प्रदूषण की स्थिति बनी है, उसमें सक्रियता के साथ आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बेहतर परिणाम हो सकता है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी प्रदूषण की सरकार आम प्रदूषण घटाने के लिए काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ की सरकारें, 6-6 सरकारें हैं, 5 राज्य सरकार और 1 केंद्र सरकार, अगर वो प्रदूषण बढ़ाने के लिए काम करेंगी तो शायद इस संकट से उबरना कठिन होगा। तो मेरा निवेदन है कि सभी सरकारें मिलकर के तेजी से इस दिशा में काम करें। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों की तुलना में अगर देखें तो दिल्ली के QI में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आगे भी और धीरे धीरे सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली सरकार के तरफ से हमारी कोशिश ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। उसके लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है। उसी कड़ी में वर्क फ्रॉम होम 50% करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार के जो भी जो विभाग हैं, जो एसेंशियल सर्विस देते हैं, उनको छोड़ करके बाकी विभागों में जो है ये वर्क फ्रॉम होम के लिए निर्देश दिया गया है। अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के हस्तक्षेप करेंगे और कम से कम इसको लेकर के बैठक तो बुलाई जाए जिससे कि सभी पहलुओं पर चर्चा हो सके। IIT कानपुर ने क्या रिसर्च किया है, IIMD का क्या कहना है, जिन विभागों से परमिशन चाहिए वो कब तक मिल पाएंगे, उसका जो एक्सपेंडिचर होगा कैसे मीट आउट होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड कैसे होंगी। हम इसलिए तो कह रहे हैं कि इसके लिए एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। बैठक में सभी एक्सपर्ट, सभी जो लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो बैठक के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। नहीं, चारों तरफ मॉनिटरिंग उसकी की जा रही है और जहां से भी कहीं कंप्लेंट आ रही है उसको भी स्पेसिफिक जो है उसको उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि एक्शन लेने की जरूरत तो तब पड़ती है जब वायलेशन किया जाता है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग मिल करके प्रदूषण के स्तर को कम करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना मौन व्रत तोड़िए और सक्रियता के साथ पूरे NCR में जो है वो ग्रैब के नियमों को लागू करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सभी लोग काम करेंगे तब जा करके इसका समाधान होगा। पूरा उत्तर भारत मेडिकल इमरजेंसी की चपेट में, और आप कह रहे हो डिले होगा। अगस्त में पहली चिट्ठी लिखी थी हमने 30 अगस्त को, उसके बाद 10 अक्टूबर को लिखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को लिखी, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आज फिर हमने चिट्ठी लिखी। आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में, मतलब आपने मान लिया है कि केंद्र की भाजपा जनता पार्टी की सरकार एक बैठक भी नहीं बुलाने वाली, कुछ नहीं करने वाली, आपने मान लिया पहले से कुछ नहीं करने वाली भाजपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस तरह से देश के लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का हक नहीं है, काम करना पड़ेगा उसे। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो जो काम हो सकता है हम कर रहे हैं,
सितंबर से हम लगे हुए हैं, लेकिन आज जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी है उसमें आज भी हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार इस तरह से मौन व्रत धारण नहीं कर सकती, इस तरह से लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, एक मीटिंग नहीं कर सकती है केंद्र की सरकार। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रदूषण की मार को झेलने के लिए वो भगवान भरोसे छोड़ करके चुप सो गई, उसे करना पड़ेगा मीटिंग। हमने उस मीटिंग में भी कहा था और उस मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बोला था कि हम इस पे सकारात्मक विचार करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल रेन आज अब इमरजेंसी जरूरत दिल्ली की बन चुकी है। दिल्ली के ऊपर जो स्मॉग की चादर है, हम दो लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, एक जो सोर्सेज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाए, उसके लिए तमाम तरह के ग्रेप फोर की कार्रवाइयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि इस पर इमरजेंसी मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए। आज पूरे उत्तर भारत में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है और जो स्मॉग की चादर है इसे तोड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग को अलाउ किया जाए। निकम्मी भाजपा सरकार के नेता मास्क बांट करके क्या नौटंकी करके दिखाना चाहते हैं, जिसका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एक मीटिंग बुलाने की स्थिति में नहीं है, वो मास्क बांट करके सड़कों पर नौटंकी कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है? पूरे उत्तर भारत के अंदर आज जो प्रदूषण की स्थिति बनी है उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पैदा कर दिया, हरियाणा में पैदा कर दिया, जो है राजस्थान में पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन है, नौटंकी बंद करिए और अपनी सरकारों से बोलिए कि काम करें काम। देखिए, अभी हमने कई सारे एक्सपर्ट से बात की है, उसको लेकर के दो ओपिनियन है। उनका कहना है कि ऑलरेडी व्हीकल पे इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ग्रैप फोर में लागू हो चुका है कि ऐसे स्थिति में अभी कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमने कहा है उसका एक आंकलन किया जा रहा है और अगर वो उसका इम्पैक्ट दिखता है, जो जो जरूरी कदम होता है उस कदम की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी अभी जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है उसके अनुसार तो अभी अगले हफ्ते भर इस तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही है और हवा की गति है, लेकिन जो इतनी हवा में अगर ये चादर नहीं होती स्मॉग की तो इतनी हवा में ये डिस्पर्स हो जाता है, अभी पिछले दिनों ही हमने देखा। लेकिन ये जो चादर है वो एक स्पेशल रोल प्ले कर रही है और उसमें डबल रोल क्या है कि जो सोर्सेस तो हम रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन उस चादर में जो मिक्स हो चुका है ऑलरेडी पोल्यूटेंट के जो कण है वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं।